वेलकम स्टूडेंट्स, आई प्रिज्यूम कि एसी तक के क्वेश्चंस या एसी तक का चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो आपने देख लिए होंगे। और अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों लगभग साथ साथ चलेंगे, बिकॉज लाइट भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आइए पहले थोड़ा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम समझते हैं। देखिए, जिस समय हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं उस समय कैपेसिटर में की तरफ करंट जा रही है, और पूरा चार्ज होने के बाद कैपेसिटर में से करंट जानी बंद हो जाती है। लेकिन जितनी देर तक हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ उतने पर अपना ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर का डीसी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, डीसी के क्वेश्चंस में आपने उसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी माना, लेकिन अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो चार्ज गया कैसे? तो फैक्चुअली होता यह है कि कुछ समय तक चार्ज जाता है और फिर चार्ज जाना बंद कर देता है। जब चार्ज बंद कर देता है उस समय बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल बिल्कुल एक हो जाता है। उससे पहले बैटरी में पोटेंशियल है, कैपेसिटर में कोई पोटेंशियल नहीं है। सो धीरे धीरे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाती है, तो इस प्रकार से कैपेसिटर चार्ज होता है। अब अपने माइंड में सिर्फ उसी को रखिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली। ये देखिए एक कैपेसिटर है, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली। इस समय एक लूप मैंने आपके सामने ये बना दिया, एक लूप मैंने आपके सामने ये बना दिया। आप ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से में से करंट जा रही है क्योंकि उस समय करंट चार्ज हो रहा है। हमने पहले क्या लिया? ड्यूरिंग चार्जिंग। लेकिन इस हिस्से में से करंट नहीं जा रही क्योंकि चार्ज यहां आके रुक गया, पॉजिटिव इधर आके रुक गया, नेगेटिव इधर आके रुक गया। अब हमने इन दोनों लूप्स के ऊपर एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाया। ये मैंने लूप ले लिया एक नंबर दो नंबर। आप देखिए, मैंने लूप वन पर ये लूप लगाया बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, इसमें से करंट जा रही है, ये इसकी चार्जिंग करंट है जो कैपेसिटर को थोड़ी देर तक चार्ज कर रही है। लूप नंबर टू के ऊपर मैंने लगाया लेकिन यहां पर करंट नहीं जा रही, टू इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें टू नंबर लूप में करंट नहीं जा रही है क्योंकि चार्ज आगे तो जा नहीं रहा है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को सोचिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर नॉट क्लोज कर्व बट मैग्नेटिक हमेशा क्लोज कर्व है। मान लीजिए जो एक नंबर का आपका लूप है उसको मैं दो के बिल्कुल पास ले आया, उस केस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इसमें नहीं है, बिल्कुल पास आने के बाद, तो आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अचानक से खत्म हो गया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हो नहीं सकता क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस कर्व है। इस वजह से मैक्सवेल ने एक सजेस्ट किया एम्पियर के लॉ में थोड़ा चेंज, इसमें एम्पियर के लॉ का थोड़ा वायलेशन आ गया, तो एम्पियर के लॉ को थोड़ा चेंज करने के लिए मैक्सवेल ने एक सजेस्ट दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट चलती है जिसको आप नाप नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, परंतु चलती है। और इसका कारण क्या है? आपको पता है जब फ्लक्स को बदलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को तो ईएमएफ पैदा होता है, तो करंट होती है। उसने कहा इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बदल रहा है, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो बदल रहा है क्योंकि जैसे जैसे यहां चार्ज आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड बदलेगा और इस हिस्से का फ्लक्स बदलेगा, लेकिन ये जो फ्लक्स बदल रहा है वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। मतलब मैक्सवेल ने कहा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से भी फील्ड बदलता है, करंट पैदा होती है, वो करंट, इसका नाम उसने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। तो लूप टू में हमने क्या किया? बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डी लगा दिया, आई डी माने डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक हाइपोथेटिकल चीज दी गई उस समय, आज तक इसको किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और हम आज की तारीख में देखे चलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। अब होती किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा हम और फिजिकली समझेंगे। हायर लेवल पर मैथमेटिकली तो काफी इसके प्रूफ हैं, लेकिन आपके लेवल पर थोड़ा सा बस इसको समझ लेंगे ताकि फिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए, इस समय चार्जिंग नहीं चल रही है तो किसी भी उसमें कोई फील्ड नहीं है, न यहां मैग्नेटिक न यहां इलेक्ट्रिक। इस समय देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ऑन बोथ द रियल एंड फिक्शनल सर्किट। यहां पर तो करंट आ रही है, यहां से जा रही है, तो इतने हिस्से में ये भी जनरेट हुआ। अब वो कहता है यहां पर भी फ्लक्स बदल रहा है,
इसकी वजह से यहां पर भी ये फील्ड जनरेट हुआ, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, ये इस क्योंकि कंटिन्यूस कर्व होना है, ये बी बना दिया। इधर देखिए अब हम क्या करते हैं, उसमें डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग द राइट हैंड रूल वर्क्स फॉर बोथ द रियल करंट्स, इनके लिए तो करंट जा रही है फ्लक्स में, इसके लिए भी यही करंट जाएगी, माने फ्लक्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसी प्रकार की जो आपने यहां देखी है बी में। करंट देखिए थंब रूल से पता लग रहा है, और जब चार्जिंग खत्म हो गई तो न यहां फील्ड है न यहां फील्ड है, तो सिर्फ उतनी दे, मैंने आपको पहले ही कहा इट इज टॉकिंग, वी आर टॉकिंग बेसिकली ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन यहां दिखाया गया। अब अभी आपको बताया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से ये पैदा होता है, हमने आईडी को दिया ही नाम एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाय डी टी। अब यहां फाई में देखिए नीचे मैंने ई लगा दिया इलेक्ट्रिकल, उसमें सिर्फ डी फाई बाय डी टी ईएमएफ आपको याद होगा, और डेट डिवाइड बाय आर बिकम्स करंट, इसमें सीधा ही एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाय डी टी विल गिव यू करंट। अब फाई ई क्या है, ई ए कॉस जीरो, अब फाई ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू आपको पता है पैरेलल प्लेट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, सिग्मा को मैंने क्यू बाय ए कर दिया, ये ए ए कैंसिल हो गया, बेसिकली फाई ई की वैल्यू क्या होगी, वन बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने तो डी फाई ई बाय डी टी बिकम्स वन बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी, इस एप्सिलॉन को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये एप्सिलॉन नॉट यहां चला गया, इससे मेरा ये वैल्यू इस डी क्यू बाय डी टी का ही नाम आई डी है। अब आप समझिए डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, दूसरी वाली करंट जो एक्चुअल जाती है उसका नाम है कंडक्शन करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इस बात को याद रखिएगा। ये हमने मैक्सवेल ने ये जो हाइपोथेसिस दिया ये इसके लिए दिया क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। अब इसीलिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ बनाया गया जिसके फॉर्म में आई प्लस आई डी कर दिया। अब ध्यान रखना जहां आई और आई डी दोनों बराबर हैं, लेकिन जहां आई है रियल करंट में वहां आई डी नहीं है, आई डी कहां है सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और आई कहां है उस प्लेट के बाहर, तो जहां आई है वहां आई डी नहीं है, जहां आई डी है वहां आई नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के मैग्नेटिक फील्ड पूरे हिस्से में कंटिन्यूस पैदा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वजह से एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीटली क्लियर हो गया। अब थोड़ा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है पर आप इस बात को समझिए, मैक्सवेल ने उसके बाद ये चार इक्वेशंस अपनी फाइनल कर दी, इनफैक्ट जो पुरानी इक्वेशन किसी किसी ने दी थी मैक्सवेल ने उनको भी अपना नाम दे दिया। मैं तो कई बार कहता हूं कि मैक्सवेल इसलिए बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, पहले वाले को आपने पढ़ रखा है गॉस लॉ को, दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है ये भी आप पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल ने कहा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, आपने पढ़ा है ई डॉट डीएल इज माइनस वी, वी माने पोटेंशियल, माइनस ई डॉट डीएल पढ़ा था, और पोटेंशियल कहां से निकलता है डी फाई बाई डी टी से इंड्यूस्ड वाला भी निकलता है, तो इन्होंने क्या किया इसको बीच वाले इस वी को हटा दिया, E डॉट डीएल वोल्टेज के बराबर नॉर्मल वे में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां पर क्या है ये इंड्यूस करंट में हम पढ़ा था हमने ईएमआई के चैप्टर में, इसने बीच वाला वी हटा दिया और इस पूरे को बोल दिया ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई, और मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ है ही। ये चार इक्वेशन बेसिकली इसको तोड़ के बनाया गया, इसको हटा के ये बनाया गया, ये सब उसमें है। अब आपने क्या समझना है कि इसमें किस किस का रिलेशन है आपको ये समझना, जैसे पहले में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और चार्ज का रिश्ता है, दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक चार्ज, हमने क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम मैग्नेटिक चार्ज समझने के लिए कह सकते हैं, वैसे चार्ज होता नहीं है पोल होता है, तो इसके बीच का रिश्ता है। तीसरा रिश्ता देखिए किसके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और लास्ट वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए कि मैक्सवेल की चार इक्वेशन हैं क्या। अब इसमें होता क्या, अब एक मिनट जरा समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दरअसल है क्या।
दरअसल वेव के बारे में हम जानते हैं, वेव हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, प्रोपगेट्स एनर्जी, और बीच के पार्टिकल वाइब्रेट करके एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसको हम मैकेनिकल वेव्स या शुरू में वेव्स कहते थे। अब जब सन से हमने वेव आने को स्टडी किया या कहीं और जगहों पर हमने वेव देखा, तो वो ऐसी वेव्स भी हमारे सामने आई जो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। अब वेव की पहली प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल को वाइब्रेट करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, पर वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो अब ऑसिलेट क्या करेगा? तो सन से जैसे लाइट आ रही है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अब सन से आ रही है, बीच में स्पेस है, वहां तो वैक्यूम है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो वाइब्रेट क्या करेगा? तो फिर वहां पता लगा, वहां उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स की होती है, पार्टिकल की नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल से एनर्जी मैग्नेटिक में जाएगी, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक में जाएगी। ये तो कोई भी ऐसी वेव जो वैक्यूम में चल सकती हो और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है उससे चलती हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हो सकती है, मैटर वेव की वो वेलोसिटी हो नहीं सकती। तो इसकी प्रॉपर्टी समझिए क्या, इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और ई बी और सी, सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर माने 3D में होते हैं। इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ई क्रॉस बी, आपने क्रॉस प्रोडक्ट समझा होगा, ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ई नहीं है, इट इज ई क्रॉस बी। यहां देखिए, मैंने आपके सामने एक्स वाई जेड बनाया, अब ई बनाया मैंने, यहां ई बनाया आई साइड में, आई मतलब आई वेक्टर में, बी किस में, जे वेक्टर में, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के वेक्टर, तो बेसिकली सी की डायरेक्शन आपके सामने जेड में दिखाई। अब इसकी इक्वेशन, जब ये वाइब्रेट करता है ई, तो के जेड माइनस ओमेगा टी इस फॉर्म में रहता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक होगा, यहां ध्यान रखना पहचान, कई बार हमको इक्वेशन बनाने को आती है, ये के जेड है ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जेड है, तो डायरेक्शन बी के लिए भी जेड रहेगी, इसका मतलब ये अंदर वाली चीज कॉन्स्टेंट रहेगी। ये देखो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है, बाहर बी वाई हो गया, इधर ई एक्स था, मैंने एक्स वाई और ये जेड, इसको देखिएगा, ये दो वेक्टर होते, ये जेड वाला सेम रहेगा साइन के अंदर, सेम रहेगा बिकॉज ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रही है। कैसे हो रही है ऑसिलेशन, अभी डायग्राम समझिएगा। अब के को क्या बोलते हैं, 2π/λ, जिसको वेव नंबर आप कहा करते हैं। अब एक्स वाई जेड आपके सामने बनाया, अब देखिए वेव इस तरह वेव चलती है, आप देखिए जो ब्लू वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यू वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक, यहां देखिए यू वाइब्रेट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल मेरा इसमें एक्स में वाइब्रेट कर रहा है, तो ई आ गया एक्स, ये आ गया वाई, तो इधर जेड में जानी चाहिए प्रोपगेशन, तो ये देखिए लाइट जा जेड में रही है, और इनके बीच का लैम्डा है। अब यहां देखिए, जब इसमें मैक्सिमम है तभी इसमें मैक्सिमम, दोनों साथ साथ चलते हैं, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायग्राम से रिप्रेजेंट है। अब आपको ये देखिए, ई एक में बी एक में, तो आप देख सकते हैं ई मेरा रेड वाला है और बी मेरा ब्लू वाला है, और दोनों मिलाकर के आपके सामने ये वेव प्रोपगेट कर रही है, ई और बी एग्जैक्टली साथ मैक्सिमम पर पहुंचते हैं, ध्यान रखना जो दोनों या ये वेक्टर पर ध्यान दीजिए, देखो ये दो, ये दोनों साथ में मैक्सिमम पहुंचेंगे, इधर मैक्सिमम इधर फिर मैक्सिमम, दोनों जीरो, दोनों नीचे दोनों ऊपर, साथ साथ चलेंगे, वो आपकी इक्वेशन से भी क्लियर हो रहा है। अब कुछ चीजें, अब इसकी इसमें एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेक्टर में होती है तो इसकी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, मैग्नेटिक हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, अदरवाइज कभी भी हम बात करेंगे वेव की तो रिमेंबर हम मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल का मैग्नीट्यूड इससे बहुत बड़ा ही, डायग्राम से आप समझ लिए, इससे इक्वेशन से E इज इक्वल टू सी टाइम्स बी, और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸। अब ये एक आपको याद रखना है, सी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस क्वांटिटी, इसकी वैल्यू रख के भी आप देख सकते हैं, इनफैक्ट मीडियम की वेलोसिटी चाहिए तो यहां पर एप्सिलॉन और म्यू मीडियम का कर दीजिए तो वो आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी है इस ईएम वेव की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कहीं टकराती है उसमें मोमेंटम है पीसी, ये एनर्जी है इसकी पीसी, देखिए उसमें एनर्जी पार्टिकल में एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने हाफ एम वी इंटू वी, हाफ ऑफ मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेव में एनर्जी पी इंटू सी, मोमेंटम इंटू सी होती है, इससे मोमेंटम यू बाई सी आ गया। जब ये और
जब ये किसी सरफेस पे टकराएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है वो क्या होगा, पी बाई टी। पी मोमेंटम आ गया यहां से, पी बाई टी, और प्रेशर क्या होगा, एफ अपॉन ए यू बाई सी टी वन बाई। ये तो फोर्स लगा दिया, ये आपको समझना है। अब इसके बाद आप ई और बी को देखिए सेपरेटली, ये वेव चल रही, ये दूसरी वेव आ गई, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। इसके उपरांत इस वेव में आपको स्पेक्ट्रम पूरा समझ आना चाहिए, वो मैं आपके सामने अब दिखाता हूं। ये पूरा स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी कैसे देखिए यहां से डिक्रीज करते करते नीचे आ रही है और वेवलेंथ इंक्रीज करते करते जा रही है। गामा के बाद, एक्सरे के बाद, यूवी के बाद, विजिबल के, इंफ्रारेड, माइक्रो, ये पूरा आपको रेंज पता हूं जी किसके बाद क्या आने वाला है। और ये विजिबल की रेंज, विजिबल में वायलेट, विबग्योर पता है आपको, इंडिगो है बीच में आ गया, वी आई बी जी वाई ओ आर, यहां देखिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है। अब जरा इसको हम ये समझे, इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिए इनमें से मेन वेव्स का यूजेस आपको पता होना चाहिए, जो आपने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। उसका कारण बताए तुम, कई बार एक वेव के दो तीन यूजेस हैं। एग्जाम में जब पूछेगा तो पूछेगा इसके लिए कौन सी वेव सूटेबल है, तो आप एनसीईआरटी वाला आंसर दीजिएगा, वो ही सही माना जाए। इसलिए एनसीईआरटी से सबके यूजेस देख लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा बड़ा कौन सा नीचे, और जो आपने एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले किए हैं वो आपको पता होने चाहिए। उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, गिनती के चार पांच, इसमें वो आपको करवा दूंगा मैं अगली बार। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर इतने में क्लियर हो जाता है। बोर्ड में ये 3 नंबर का है, और इसमें कंपटीशन में ये नंबर बहुत आसान है, सिर्फ उन फॉर्मूले और ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग से आपका काम हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर अब आपको समझ आ गया है। न्यूमेरिकल्स आपको अगले एक आध वीडियो में फिर दे दूंगा, तब तक आप इसको ध्यान करें, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, यूजेस वहां से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैं अब विज IQ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ आपके लिए, कभी आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क करना चाहें, यू वॉन्ट टू हैव सर्टेन डाउट्स। वीडियोज में क्या है, मैं बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन यदि आप चाहें कुछ डाउट्स, आप मेरे को मेल करके क्वेश्चंस दे सकते हैं, हम और आप बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और सारे नोट्स मिलेंगे आपको www.dhawanlearning.com के ऊपर।